लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की एंट्री मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में रोड शो कर चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। जबलपुर में मोदी का रोड शो कटंगा चौक से आदि शंकराचार्य चौक छोटीलाइन फाटक तक होगा। भारतीय जनता पार्टी के क्लस्टर प्रभारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उनके साथ लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित भाजपा नेता भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की एंट्री मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में रोड शो करेंगे और चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे। जबलपुर में मोदी के रोड शो की व्यापक तैयारियां जारी हैं। शनिवार को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कटंगा चौक से लेकर आदि शंकराचार्य चौक छोटी लाइन तक की जा रही रोड शो की तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जबलपुर में पीएम मोदी का रोड शो आइकॉन रोड शो होगा। जबलपुर का रोड शो एक आइकॉन रोड शो होगा और लोग जब भी रोड शो करेंगे तो कहेंगे जबलपुर जैसा रोड शो होना चाहिए। हमारी जबलपुर की टीम, माननीय राकेश सिंह जी, माननीय महापौर जी, माननीय जिलाध्यक्ष साहू जी, माननीय विधायकगण, सब लोग बहुत आत्मीयता के साथ लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि जबलपुर का रोड शो एक आइकन रोड शो होगा, एक माइलस्टोन रोड शो होगा और इसका प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में होगा, विशेषकर मध्य भारत क्षेत्र में तो बहुत ज़बरदस्त होगा। दीपक सक्सेना ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, एक बड़ा झटका है कमलनाथ के लिए? बहुत सारे झटके आने वाले हैं, आप चिंता मत करिए, एक के बाद एक झटके ही झटका देंगे हम। और जिस दिन परिणाम आएंगे तो कांग्रेस को बहुत जबरदस्त झटका लगेगा जब 400 पार एनडीए करेगा। गौरतलब है कि पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी रोड शो मार्ग का जायजा लिया था। पीएम के रोड शो के लिए भाजपा नेता कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर पीले चावल देकर जनता को निमंत्रण भी दे रहे हैं।